हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम मंत्रा। आज हम अपनी HS लेक्चर 2020 सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम HS प्रीलिम 2020 के लिए इम्पोर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखते रहिए। आप इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के MCQs। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्क्रिप्शन ऑफ हाथी गुम्फा इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट विच किंग। आपने बताना है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ऑप्शंस दी हुई है वो है खारवेल, अशोका, हर्षवर्धन, गणेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन वन, खारवेल। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? ये है उदयगिरी हिल्स में, जो कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। खारवेल कलिंग का राजा था और यह महामेघवान डायनेस्टी का, या जिसे चेटी डायनेस्टी भी कहते हैं, उसका एक फेमस रूलर था। और ये माना जाता है कि वो जैनिज्म में विश्वास रखता था। तो आप ये सारे फैक्ट्स भी साथ में याद रखिए। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? उदयगिरी हिल्स में। और ये कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में, जो कि उड़ीसा में है। और खारवेल राजा जो था वो कलिंग का राजा था और चेदी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, और वो कौन से रिलीजन को मानता था? जैनिज्म को मानता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड फॉर द तेभागा प्रिजन मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर। आपने बताना है जो तेभागा प्रिजन मूवमेंट हुआ था बंगाल में, उसकी डिमांड क्या थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंड होल्डर्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ क्रॉप टू वन थर्ड। मीन्स जो क्रॉप का 2/3 शेयर है वो बरगादास, यानी कि शेयर क्रॉपर्स को मिलना चाहिए, जो कि अभी कितना मिलता था इनको? हाफ मिलता था, और हाफ जो था वो लैंडलॉर्ड्स को जाता था। तो डिमांड ये थी कि जो 2/3 है वो बरगादास शेयर क्रॉपर्स को मिलना चाहिए, और जो 1/3 है वो लैंडलॉर्ड्स को मिलना चाहिए। मींस लैंडलॉर्ड का जो शेयर है वो हाफ से 1/3 हो जाना चाहिए। इस मूवमेंट का जो स्लोगन था वो था नीच खमारे धान तोलो। मींस शेयर क्रॉपर्स पैडी अपने थ्रेशिंग फ्लोर पर लेकर जाएंगे, ना कि लैंडलॉर्ड्स के घर में, सो डेट की जो तेभागा है उसे एनफोर्स किया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। आपने बताना है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है। आपके पास ऑप्शंस है उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगर हम इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करें तो MP का जो फॉरेस्ट कवर है वो सबसे ज्यादा है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन ओडिशा एंड देन महाराष्ट्र। तो आप इनके 3-4 सीक्वेंस भी याद रखिए, बिकॉज एग्जाम में MP की ऑप्शन ना पूछ के आपको दूसरी ऑप्शंस दी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकारिया कमीशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने बताना है सरकारिया कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो किसके लिए थी। ऑप्शंस जो आपके पास वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, बी इज पार्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, सी मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, डी सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेंटर स्टेट रिलेशन। सरकारिया कमीशन को सेंटर एंड स्टेट के बीच के एग्जिस्टिंग रिलेशन को एग्जामिन एंड रिव्यू करके उस पर नेसेसरी चेंजेस एंड मेजर्स लाने के लिए एंड रिकमेंडेशन देने के लिए अपॉइंट किया गया था, और इसने अपनी रिपोर्ट 1987 में सबमिट करवा दी थी। इसने टोटल 247 रिकमेंडेशंस दी थी, जैसे कि रिकमेंडेशन ऑन द फेयर यूज ऑफ आर्टिकल 356, सेटिंग अप ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एटसेट्रा।
इसके अलावा बाद में सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर पुंची कमीशन भी बैठा था, जिसने की अपनी डिफरेंट रिकमेंडेशन दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया। इंडिया जो है वो टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 22% प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, सेकंड नंबर पे यूएस है, देन चाइना, देन पाकिस्तान एंड देन ब्राजील है। तो आप ये सीक्वेंस लर्न कर लीजिए, बिकॉज क्वेश्चन में इंडिया ना पूछ के आपको यूएस, चाइना, पाकिस्तान, ब्राजील भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has been appointed as the India's permanent representative to the UN? UN में इंडिया का permanent representative किसे appoint किया गया है? तो इसकी जो options है वो है विक्रम मिस्त्री, रुचि घनश्याम, जावेद अशरफ या टी एस त्रिमूर्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, टी एस त्रिमूर्ति। टी एस त्रिमूर्ति इससे पहले भी permanent mission to UN in Geneva में work कर चुके हैं और वो फर्स्ट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव थे टू द पैलेस्टीन अथॉरिटी इन द गाजा स्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन नेम्ड बाय द टाइम मैगजीन अमंग द वर्ल्ड्स 100 हिस्टोरिकल विमेन ऑफ द ईयर? टाइम मैगजीन के अकॉर्डिंग 100 हिस्टोरिकल विमेन ऑफ द ईयर में किन का नेम शामिल किया गया है? ऑप्शंस हैं ए अमृत कुमार, बी इंदिरा गांधी, सी सुचेता कृपलानी, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका जो आंसर है वो है बोथ ए एंड बी, दैट इज अमृत कौर एंड इंदिरा गांधी। टाइम मैगजीन नेम्ड अमृत कौर एज द विमेन ऑफ द ईयर फॉर 1947 एंड गांधी फॉर द 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? आपने बताना नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है। वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आंसर है वो है डी, मीथेन। इसका जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा होता है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यू बॉर्न बट इट लैक्स इन द फॉलोइंग। आपने बताना है मदर्स मिल्क में कौन सी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं पाई जाती है। आपके पास जो ऑप्शंस है वो है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आयरन। मदर्स मिल्क में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सारी न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है, जो कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मदर को आयरन की सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ आयरन इन द मदर्स मिल्क। चलिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफीन इज, ऑप्शंस है एन एलॉय ऑफ कार्बन, बी नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, सी आइसोटोप ऑफ कार्बन, डी नन ऑफ द अबव। तो जो ग्राफीन है वो है नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राफीन एक्चुअली हनीकॉम शीट ऑफ कार्बन आइटम है और इसके अदर ग्रेफाइटिक मटेरियल बनाने के लिए इसको एक बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है। ग्रेफाइट जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल होता है और ये डायमंड से भी ज़्यादा हार्ड और रबर से ज़्यादा इलास्टिक होता है। और अगर इसकी कंडक्टिंग पावर देखी जाए तो ये कॉपर से भी ज़्यादा कंडक्टिंग होता है और ये इट कंडक्ट्स 2 times मोर हीट देन द डायमंड। तो इसके फीचर्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप अपनी नोटबुक पे नोट करके रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री वॉज एडमिटेड एज 5th ऑब्जर्वर टू द इंडियन ओशन कमीशन? इंडियन ओशन कमीशन में 5th ऑब्जर्वर किसे बनाया गया है? ऑप्शंस है इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या मॉरिशियस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिया। इंडिया को इंडियन ओशन कमीशन में एज अ 5th ऑब्जर्वर बनाने का जो डिसीजन है वो आईओसी की कॉन्फ्रेंस जो सेचल में हुई थी उसमें लिया गया था। आईओसी को 1982 में क्रिएट किया गया था और कहाँ पे किया गया था? मॉरिशियस में। और 1984 में इसे इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया था।
इसमें टोटल 5 मेंबर्स है, कॉमरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस, रियूनियन एंड सेचल्स। इंडिया जो है वो 5th ऑब्जर्वर बना है, तो 4 ऑब्जर्वर कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज माल्टा, थर्ड वन इज EU एंड फोर्थ इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ला फ्रेंकोफोनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में आपने हिल्स का करेक्ट सीक्वेंस बताना है, तो आप इसको मैप पे जरूर लोकेट कीजिए। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मेकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर। ये चार हिल्स जो दी गई है आपने इसको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है, सबसे पहले आएगी वेस्टर्न साइड पे सतपुड़ा, एंड देन उसके ईस्ट महादेव, देन मेकाल, एंड देन छोटा नागपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मे बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंट स्टडी? आपने बताना है DPSP को कौन से पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है ताकि उसको कन्वीनियंटली स्टडी किया जा सके। हमारे पास जो ऑप्शंस है वो है सोशलिस्ट, लिबरल इंटेलेक्चुअलिस्ट, गांधीयन या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। DPSP में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स है, जैसे कि आर्टिकल 39, 39A एक्सेट्रा। लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात करें तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 48 एक्सेट्रा। और अगर गांधीयन प्रिंसिपल्स की बात करें तो आर्टिकल 40, 43, 46 एक्सेट्रा। तो ये तीनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्वड बट एबॉलिश्ड? आपने बताना है जो आपको ऑप्शंस दी गई हैं उनमें से किसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते लेकिन एबॉलिश कर सकते हैं। तो आपको आंसर बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे एबॉलिश किया जा सकता है लेकिन डिसॉल्व नहीं कर सकते। और इसे एबॉलिश कैसे किया जाता है? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसे एबॉलिश कर सकते हैं बाय पार्लियामेंट। कौन एबॉलिश करता है? पार्लियामेंट एबॉलिश कर सकती है, बट किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की रिकमेंडेशंस के ऊपर। अदरवाइज लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या है, एक परमानेंट चैम्बर है जैसे कि राज्यसभा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिडिक्यूल्ड कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? कौन से गवर्नर जनरल ने ये कहा था कि जो कांग्रेस है वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को ही रिप्रेजेंट करती है, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने इनिशियली जब INC की फॉर्मेशन हुई थी तो इसको सीरियसली नहीं लिया था और इसे क्या माना था, सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी माना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंडियन नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन विच एरा? आपने बताना है इंडियन नेशनल कैलेंडर कौन से एरा के ऊपर बेस्ड है। तो इसका जो आंसर है वो है साका एरा, जिसमें कि चैत्र जो फर्स्ट मंथ माना जाता है। ओके, आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।